पंतप्रधान नरेंद्र मोदी औरंगाबाद मध्ये दाखल झाले होते यावेळी त्यांनी एक लाखांहून अधिक बचत गटांच्या महिलांसह उपस्थित जनतेशी संवाद साधलाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते पंतप्रधानांनी यावेळी केलेल्या भाषणात प्रत्येक घरात शौचालय आणि पाणी असेल यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे उज्ज्वला योजनेचं उद्दिष्ट नियोजित वेळेअगोदर सात महिने पूर्ण झाले असं मोदी म्हणाले पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते और एक स्मार्ट सिटी उद्घाटन ही उद्घाटन करना चला है मैं देश भर के उन साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है मदद की है साथियों धुए में घुटती अपनी गरीब बहनों की सेहत को बचाने के लिए पहले पांच करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त देने का लक्ष्य रखा गया था पिछले साल मार्च में इस लक्ष्य को विस्तार देते हुए आठ करोड़ कर दिया गया चुनाव के दरमियान जब भी मैं आपके बीच आया था तो इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही थी मुझे संतोष है कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही यह काम पूरा हो गया साथ में यह काम सिर्फ कनेक्शन देने भर तक सीमित नहीं था इसके लिए और भी व्यापक प्रबंध किए गए होलिस्टिक तरीके से काम किया गया एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए जरूरी था जिसको बहुत ही कम समय में तैयार किया गया इसके लिए जो दस हजार नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार किए उनमें से अधिकतर तो गांवों में नियुक्त किया गया इतना ही नहीं देश भर में नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाए गए ताकि गैस सिलेंडरों का अभाव न हो सरकार ने बंदरगाहों के आसपास टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ाने के साथ ही गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार भी किया साथियों हमारा प्रयास है कि अब देश में एक भी ऐसा परिवार ना रहे जिसके घर पर एलपीजी कनेक्शन न पहुंचा हो इसके साथ साथ इस योजना को और सुविधाजनक बनाने के लिए पांच किलो के सिलेंडर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है देश के अनेक इलाकों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम भी तेजी से चल रहा है भाइयों और बहनों अब एक बहुत बड़ा मिशन लेकर हम चले हैं जिसका सीधा सरोकार भी आप सभी से हैं देश की करोड़ों करोड़ों बहनों से हैं आप सभी बहनों को पानी के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है इसका मुझे भलु भांति एहसास है देश की हर बहन को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ही जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है इस मिशन के तहत पानी बचाने के लिए घर घर पानी पहुंचाने के लिए पूरा देश संकल्पबद्ध हुआ है